अभी 2000 पौधा है यहाँ पे, अभी मैं लगाया हूँ 7x7। इतने दूर से गए थे हमारे गांव में, हाँ। लगभग 400 किलोमीटर यहाँ से है। एक दिन पूरा रुके वहाँ पर, फार्म घूमे, जब ये फार्म शुरू करने से पहले ही आए, शुरू करने से पहले। हाँ। और तो, आपके तो, फार्म से बहुत सारा आइडिया मुझे मिला, तो आपने जो बेड बनाया हुआ है, क्योंकि अगर धान के फार्म में आप लोग करना चाह रहे हैं गवा का फार्मिंग, आपने जेसीबी से किया, तो मुझे वो आइडिया वहाँ से मिला की जेसीबी से चलो करते हैं। तो जेसीबी से मैंने पूरा सारा बेड बनाया। अपने हिसाब से टेस्ट कीजिए, अगर आपको वो फ्रूट अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने जो बेचा था वो एवरेज 65 था। नमस्कार, मैं अजीत और आपको स्वागत करता हूं आपके चहिते फार्मिंग चैनल विशाल फार्म में। किसान भाइयों, ये वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भी अगर नए फार्मिंग करना चाहते हैं, खासकर गुआवा फार्मिंग में, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के जरूर एंड तक बने रहिए। चैनल में अगर नए हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं उस किसान से जो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ताइवान पिंक और थाई सेवन का फार्म बनाए हैं। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ इनके फील्ड में, ये सोमरंजन सर हैं। नमस्ते। कितना अच्छा तरीके से इन्होंने जो है ये थाई सेवन और ताइवान पिंक का यहाँ पर फार्म अभी रेडी किए हैं। लगभग ये कितना 13 महीना हो गया है ना। तो थोड़ा अपना परिचय दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुमरंजन मिश्र है और मैं यहाँ पे, मेरा फार्म जो है नायगढ़ से 10 किलोमीटर दूर सरनकुल करके एक जगह है, वहाँ पे मेरा फार्म है। मेरा फार्म अभी 4 एकड़ में है, जिसमें से कि मेरा आधे एकड़ का फार्म पॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पानी का दिक्कत था तो मैंने पॉन्ड खुदवाया यहाँ पे। और बाकी बेसिकली ताइवान पिंक का है, और कुछ सारे पौधे में लाया था, अजीत जी से लाया था, थाई सेवन के लाया था, तो थाई सेवन के पौधे भी मेरे पास, और दोनों मिला के मैं अभी कर रहा हूँ। दोनों मिला के ना, थाई सेवन और ताइवान पिंक का। हाँ, क्योंकि मार्केट में अभी काफी अच्छा दोनों का डिमांड चल रहा है। हाँ हाँ, ताइवान पिंक का जैसा, हाँ, थाई सेवन का भी, दोनों का सेम डिमांड चल रहा है। तो जैसे कि किसान भाइयों, ये तो प्रोफेशनली एक जॉब करते हैं, साथ साथ जो कि इन्होंने फार्मिंग के ऊपर आए, और खासकर गुआवा फार्मिंग को क्यों जो है सिलेक्ट किया, उनसे यही जानते हैं कि एक्चुअली कोरोना पीरियड में सारे लोग लॉकडाउन में फंसे थे। हाँ। तो मैं भी उनमें से भी एक था। तो उसी टाइम पे वीडियो देखते देखते फार्मिंग का आइडिया आया कि सारे कुछ चीज़ें तो बंद हो रहे हैं, सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं, लेकिन जो फूड का बिजनेस है और दूध का बिजनेस और मेडिसिन का बिजनेस, वो कभी, ये तीन बिजनेस हमेशा चल रहे थे। हाँ, हाँ। तो मैंने देखा कि मेडिसिन तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है वो बिजनेस, हाँ, शुरू, हाँ, करने के लिए, और दूध का तो बहुत बड़ा फैक्ट्री उसको, हाँ, उसके लिए बनाना पड़ेगा, और डायरी फार्म में मेरा इतना कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मैं बोला कि चलिए कुछ फ्रूट से मतलब शुरू करते हैं पहले। तो सारे, बहुत सारे चैनल्स देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे फार्म्स भी घूमा, तो मुझे अच्छा लगा कि अमरूद का ये चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मतलब एक बहुत बढ़िया फ्रूट है, मतलब सोसाइटी को देने के लिए बहुत बढ़िया फ्रूट है। जैसे कि हम लोग सेव बोलते हैं ना, एप्पल, एप्पल में जो है, एप्पल में जितना मतलब आपका न्यूट्रिएंट्स है, इसमें ना चार गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट है, और हम लोग मतलब आप एप्पल पेट भर खा नहीं सकते, लेकिन गुआवा एक ऐसा फ्रूट है जो कि आप पेट भर खा सकते, राइट, डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। एग्जैक्टली, तो गुआवा में ज्यादा न्यूट्रिएंट है, 100 ग्राम के गुआवा में जितना न्यूट्रिएंट है, मतलब 300-400 ग्राम एप्पल में उतना न्यूट्रिएंट है। तो हम लोग 100 ग्राम गुआवा अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियरी है। तो हम लोग इसीलिए मतलब ये फ्रूट को चुने, और ये प्लांट जो भी है बहुत सारे दिखता है। हाँ, और बहुत सारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो पहले इनको देख भी चुके होंगे मेरे एक वीडियो में, जब मेरा चैनल नया नया पहले 2-3 महीना हुआ था, उसके ही बीच में मतलब ये इतने दूर से गए थे हमारे बरगढ़ तक, पदमपुर तक, हमारे गांव में। हाँ। लगभग 400 किलोमीटर यहाँ से है। 400 किलोमीटर तो आए थे, एक दिन पूरा रुके वहाँ पर, फार्म घूमे, जब ये फार्म शुरू करने से पहले ही आए, शुरू करने से पहले। हाँ। और तो, आपके फार्म से बहुत सारा आइडिया मुझे मिला, तो कौन कौन सा आइडिया मिला थोड़ा सा जो है व्यूअर। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि मतलब आपने जो बेड बनाया हुआ है, हाँ, क्योंकि अगर धान के फार्म में आप लोग कर रहे हैं ना, मतलब करना चाह रहे हैं गवा का फार्मिंग, उसमें भी हो सकता है, उसमें हो सकता है, उसमें तो हमने किया है, हो सकता है, हमने किया है, आपने किया है, और मैं करने जा रहा था, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मतलब मुझे लग रहा था कि छोटा छोटा रेस बेड बनाने से भी हो जाएगा, लेकिन धान के फील्ड में क्या होता है, मैक्सिमम बहुत सारा पानी मतलब बहुत ऊंचा पानी रहता है, तो इसलिए क्या किया आपने, जेसीबी से किया, तो मुझे वो आइडिया वहां से मिला कि जेसीबी से चलो करते हैं। तो जेसीबी से मैंने पूरा सारा बेड बनाया, तो जेसीबी से उस टाइम पे मेरे 2000 पौधे के लिए मैंने बेड बनाया था, तो उस टाइम पे मुझे 80,000 के आसपास कुछ आया था बेड बनाने का खर्चा। तो उसके बाद अभी इस साल तो थोड़ा डिफरेंट मैंने किया, तो हाँ, आदमी करते करते सीखता है ना। हाँ, हाँ, तो अभी इस साल मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, मैंने इस बार बेड मेकर एक खुद से बनवाया, और भी आइडिया आपसे मिला था।
अच्छा, जो बेड मेकर आपने बनाया था, वो बोल रहे थे प्लाउइंग प्लाव नंगल, हाँ, जो प्लाव होता है दो साइड का जो नंगल रहता है बड़ा वाला, उसे पुराना है खरीद के, आपने बोला था जैसे उसे पुराना है खरीद के उसमें लगा के वो बेड मेकर भी बनाया। बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स इनसे मिलता है, अगर आप बात करते हो मतलब रेगुलरली टच में रहते हो तो बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स मिलता है इनसे, मिलता है डेफिनेटली। वो तो मेरे पापा और जो बड़े भाई है ना उनसे मैं फिर सीखता हूँ। मैं तो अभी मेरा उम्र जो है ना, मैं अभी बहुत कुछ मतलब गेन कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना भी हो सके सभी किसानों तक तो वो चीज़ जो है पहुँचा रहा हूँ। तो और इनसे एक बात सीखने वाली बात है, जैसे हम गांव में अगर मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी में अगर फार्म रहता है तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं चोरी हो जाएगा या फिर कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये नयागढ़ में इनका तो फार्म है, लेकिन ये रहते हैं भुवनेश्वर में, यहाँ से लगभग कितना दूर होगा, 80-90 ये फार्म से मेरा घर एग्जैक्टली 100 किलोमीटर 100 देखिए 100 किलोमीटर दूर से ये रहते हैं, लेकिन वहाँ से मैनेज करके कितना अच्छा फार्म बनाए हैं। मेरा फार्म का हर एक कोना मतलब जहाँ पे भी आप घूमो, जो भी एरिया में फार्मिंग लोग काम करते हैं, जो भी करते हैं, सारा चीज में सीसीटीवी लगा है, सारे जगह पे सीसीटीवी कैमरा कवर करते रहते हैं, कोई एक भी जगह मिसिंग नहीं है, पूरा फार्म पे सीसीटीवी कवरेज। हर हफ्ते में आता हूँ, सैटरडे संडे को आता हूँ, हर सैटरडे संडे को, मतलब कभी कभार सैटरडे संडे मिस हो जाता है, मतलब एक महीने में लगभग तीन से चार बार तो पक्का है ना। तो देखिए यहाँ पर सीखने वाली बात है, जो भी सोच रहे हैं कि मेरा दूर कोई जगह मिल रहा है अगर मेरे घर से दूर है तो भी जो है आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं, जैसे इनसे सीखना चाहिए ये। और देखिए इनके फार्म में से हम कुछ फ्रूट्स जो है अभी तोड़े और बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बिना बेगिंग में भी काफ़ी अच्छा फ्रूट्स है और पौधे का भी जो है केयर काफ़ी अच्छा अभी ले रहे हैं। और ये शायद मेरा ये दूसरा ट्रिप है, मैं मतलब एक बार आया था बीच में, पहले छः महीना किसी काम में भुवनेश्वर आया था एग्जैक्टली, तो उसके बीच में जो है इनसे तो बातचीत होती रहती है, तो इन्होंने जाने के लिए जो है मेरे को बोला था, तो टाइम निकाल के जो है यहाँ पर आया था, और उस समय जो है प्रूनिंग का थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम देख कर गए थे। Right. तो उसके बाद मेरा जब 6-7 महीने के बाद आया हूँ तो अभी मुझे काफ़ी खुश लगा, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रूनिंग करना चाहिए उसी हिसाब से अभी चल रहा है, तो अच्छा है। मतलब ये तो बरसात में देखो ये तो पूरा मतलब क्लीन है, पूरा क्लीन है, अच्छा गुआवा है ये तो। 300-400-500 हमने अभी वेट किया, 550 ग्राम का भी गुआवा था। और हाँ, और ये थाई 7 का थोड़ा सा जो है ये गोल रहता है ना, और आपका ताइवान पिंक थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको जो ये सीजन में गोल आता है, सीजन में गोल आता है। और एक बात, बैगिंग करने से ये भी थोड़ा डिजाइन चेंज, एग्जैक्टली हाँ, बैगिंग करने से साइज में, और देखिए जैसे ये बोल रहे हैं कि वन पिंग में बैगिंग अगर करेंगे तो इससे जो है बेटर क्वालिटी होगा, मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलता होगा। बैगिंग हुआ है, बैगिंग करके मैं बेच चुका हूं, 700-800 किलो बैगिंग का मटेरियल मेरा चला गया, मतलब इतने पौधे में आप थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर दो, 1-1.5 महीना पहले लिया था मैंने प्रोडक्शन, 2000 पौधा लगा हुआ है ना, कितने बाई कितने में आप लगाए यहाँ पर? यहाँ पे अभी मैं लगाया हूँ 7x7 में। तो लगाने कितने महीने बाद आपने मल्चिंग जो है डाला? मल्चिंग मैंने 3-4 महीना, वो गलती था मेरा, मल्चिंग मतलब हमेशा जल्दी करना चाहिए। अगर आप लोग मल्चिंग करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आप वीडिंग में पैसा खर्चा करने के बाद मल्चिंग कोई मीनिंग नहीं रहता है, आप वीडिंग पे खर्चा करो फिर उसके बाद मल्चिंग करो, क्या मीनिंग रहेगा? इनके कहने का मतलब है कि आप जब लगा रहे हैं ना तो पहले से आप मल्चिंग कर दीजिए, पहले से मल्चिंग, तो उसमें क्या होता है पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होता है, अच्छा जो होता भी है। आप न्यूट्रिशन देते हैं वो सब पौधे को ही मिलता है और घास भी नहीं आता, और बिना ड्रिप के करना नहीं चाहिए मुझे जितना पता है। ड्रिप लगाने के बाद से और मल्चिंग करने के बाद से पौधों का ग्रोथ जो है थोड़ा ज्यादा होता है। ये दो चीजें आपको बहुत ही जरूरी है मैनेज करना है, तो अगर बड़े एरिया में करना है, हाँ, क्योंकि क्या होता है ना ड्रिप में हमें जो न्यूट्रिशन होता है इजीली हम लोग पूरा दे पाते, सारे मतलब पौधों में एक साथ पहुंचता है, एक दिन दो दिन में जितना पानी चाहिए ना उतना हम देते हैं, राइट। तो मतलब पौधे को ज्यादा नहीं कि कम नहीं, वो अपने हिसाब से मिल जाता है न्यूट्रिशन, पानी का अच्छा मतलब मैनेजमेंट हो जाता है, मैनेज हो जाता है। और आपने जो है कितने माइक्रोन का यहाँ पर मल्चिंग लगाया है आपने? 100 माइक्रोन, सारा 100 माइक्रोन का मल्चिंग, आपने जहाँ से बोला था हमने वहाँ से मल्चिंग। मैंने बोला भी था इनको कि कम से कम 100 माइक्रोन से नीचे आप लेना मत, क्योंकि एक बार लगाना है बार बार तो हमें मल्चिंग निकाल के फिर लगाना नहीं है ना, ये लगभग 6-7 साल 8 साल तक भी 100 माइक्रोन का आपका चल जाता है। वेजिटेबल क्रॉप कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पतला ले सकते हैं, 25 माइक्रोन भी चल जाता है, 30-40 माइक्रोन चल जाता है, लेकिन ये आप 100 माइक्रोन। देखिए अभी फ्लावरिंग का सीजन आ गया है, तो जैसे कि ये बोल रहे थे कि अभी फ्रूट्स लेना है कि नहीं, तो देखिए अभी बरसात का सीजन चल रहा है और अभी जो फ्लावरिंग आ रहा है तो ये 3-4 महीना और लग जाएगा फ्रूट्स, 4 महीना लग जाएगा, तो उस समय आपका और 2 महीने के बाद बारिश कम हो जाएगा धीरे धीरे, तो फ्रूट्स के टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए आप चाहे तो पौधे की ग्रोथ देखकर मैं बोल रहा हूँ 3-4 किलो तक 5 किलो तक भी ले सकते हैं।
3-4 किलो तो आराम से ले सकते हैं। तो उतने में भी आपका जो है 2000 पौधे में आपका लगभग कितना हो जाएगा? थोड़ा बहुत मोर्टेलिटी भी हुआ था तो 1900 पकड़ के चलिए। हाँ, 1900 पौधे में अगर हम लोग 3-4 किलो भी एवरेज लेते हैं, 4 किलो भी एवरेज लेते हैं, 6-7 हज़ार किलो तो आ जाएगा। हाँ हाँ, तो आपका यहाँ पर कितना रेट है? जो यहाँ पे 65-70-80 ऐसा जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने जो बेचा था वो एवरेज 65 था, मतलब उस साल तो पौधे छोटे थे इसीलिए फल का मतलब जो साइज क्वालिटी ये कम था, तो मुझे लग रहा है इस साल थोड़ा ज्यादा पैसा में जाएगा, 70 रुपीज का एवरेज आएगा आएगा ना। नहीं, मार्केट का तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। मुझे पता नहीं था कैसे क्या, मुझे बहुत लोग मतलब कम में ले गए, वो भी मुझे पता नहीं चला। तो मैं पहले से ही बोला था इनको कि आपके यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि हम जो रास्ते में आए थे ना, मतलब भुवनेश्वर से नयागढ़ के बीच में, रेट 200 दुकान हो जाएगा, 150-200 है ना। मैं मंडी का रेट बोल रहा हूँ आपको, ये तो ऐसे करके दूंगा तो उसका रेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो गया। हाँ, तो बोले दो रेट रहता है ना, एक डायरेक्ट मतलब दुकान वाले लेते हैं और एक मंडी में हम भेजते हैं, मंडी वाले फिर दुकान लेते हैं, राइट, तभी तो यहाँ पे मंडी में दे देने से इतना दिक्कत नहीं। आप एक जगह माल दिए और उनसे पैसा ले लिए, वो इजी है। हाँ, हाँ, मार्केटिंग करने में इजी है। और मेरा अभी प्लान है 10,000 प्लांट्स का प्लान है। अपना मार्केट रिसर्च कीजिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, या फिर आप अपने हिसाब से टेस्ट कीजिए। अगर आपको वो फ्रूट अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फ्रूट अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाले को अच्छा लगेगा? लगभग देखिए ताइवान पिंक थोड़ा सा पिंक कलर में आता है और थाई 7 जो है सफेद रहता है, राइट। पानी का भी यहाँ पे बहुत दिक्कत है, तो मतलब यहाँ पे बोरवेल हमने लिया, बोरवेल किया यहाँ पे, एक नहीं दो बोरवेल किया, दो बोरवेल 8 इंच का किया, दोनों में मतलब पानी नहीं आया, 350-350 फीट तक भी पानी नहीं आया, नहीं वो बंद कर दिया हमने। फिर एक डगवेल भी किया, डगवेल भी उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि ये पूरा पथरीली जमीन है, पूरा कितने नीचे तक पत्थर है ये पता नहीं है, क्योंकि पहाड़ के नीचे है तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो फोर्सफुली मैं क्या किया मतलब फार्म पॉन्ड एक करना पड़ा मुझे। तो वो आधे एकड़ में अभी है फार्म पॉन्ड, वहाँ पे मेरा एक फिश फार्मिंग का प्लान है, तो फिश अभी डालने वाले हैं हम लोग वहाँ पे फार्म पॉन्ड में। और फार्म पॉन्ड के साइड में भी हम लोग थोड़ा बहुत मतलब मैंगो का प्लांटेशन किए हैं, जो कि आपसे लिया था, मैंगो का पौधा आपसे लिया था। तो काफी अच्छा लोकेशन है दोनों, ये मतलब दोनों साइड देखिए जो है पहाड़ है, जंगल है पूरा, और बीच में जो है इनका फार्म है। तो आप सोच सकते हैं अगर ठंडे महीने में यहाँ पर कभी आप विजिट कर रहे हैं, कभी आएंगे यहाँ पर, जो कि अगर कोई किसान आना चाहते हैं तो इनका तो मैं नंबर भी ले सकते हैं, ये जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, आप दे दीजिएगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत होता है। गुआवा फार्मिंग का भी कुछ भी अगर जानकारी चाहिए या फिर घूमना भी आना चाहते हैं आस पास, कोई भी आ सकते हैं, यहाँ पर जो है आप आ सकते हैं और कुछ भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आगे अगर करना है आपको तो थोड़ा जो है आपको नॉलेज जो है मिल सकता है। देखिए इसका साइज जो कि ये लगभग 400 ग्राम होगा, नहीं 350-400 ग्राम, 500-600 ग्राम। देखिए कितना अच्छा फ्रूटिंग है। और देखिए ये जॉब के साथ साथ जो कि ये फार्मिंग के ऊपर इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिससे कि मुझे खासकर जो है जितने भी यंग फार्मर फार्मिंग के लाइन में आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि आगे अगर ये देश का युवा अगर नहीं बढ़ेंगे तो देश जो है हमारा और हमारा उड़ीसा जो है पीछे रह जाएगा, क्योंकि हम अच्छा खाएंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। और हाँ, एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरा मतलब गुआवा होता है ना, पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक है। लास्ट ईयर में मतलब 50-50 करके चला रहा था, थोड़ा मतलब केमिकल यूज कर रहा था, लेकिन इस साल में पूरा मतलब लास्ट 6 महीने से कोई केमिकल यूज नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं कुछ कोई मतलब दवाई वगैरह स्प्रे नहीं करता हूँ, कुछ नहीं स्प्रे करता हूँ। पिछले सीजन में जो है मैंने देखा था इनके स्टेटस में, तो काफी अच्छा जो है बेकिंग वाला फ्रूट्स भी था, वो अच्छा भी रहता है मार्केट में, क्योंकि कोई दाग स्क्रैचेस नहीं होता। अगर मतलब दुकान में जाता है तो जो खरीदता है ना वो वन टच कहते हैं उसको। जैसे वो ऐसे ना, मैं सच बोलता हूँ, मंडी में भी आप जाओगे ऊपर से ऐसे ऐसे एक गुआवा लेते हैं, देखते हैं हाँ अच्छा है, बस फेंक दिए, रेट फाइनल वही। क्योंकि वो नींबू साइज में आप लगा देते हैं पॉलिथीन और वो पेपर वगैरह फॉर्म वगैरह, तो अपने आप वो बढ़ता है और तोड़ते ही वैसे ही फार्म में चला जाता है, मतलब दुकान में चला जाता है, राइट। तो किसी का हाथ नहीं लगता, जो खरीदेगा वो निकालेगा जो फॉर्म और वो खाएगा, तो मतलब सोचिए कितना फ्रेश है ना। फार्मिंग में आना है तो ऐसे नए नए तकनीक में फार्मिंग कीजिए। आपका गुआवा हो गया, हाई डेंसिटी में आप मैंगो फार्मिंग कर सकते हैं, मौसम्बी कर सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट्स कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब सुइटेबल लगे आप, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। और अगर गुआवा फार्मिंग करना है तो आपको तो कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, है ना, थोड़ा सा इतना नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, प्रूनिंग का ध्यान देना है बस, टाइम में थोड़ा बेगिंग करना। और एक चीज आपको जरूर मतलब कंफर्म करना चाहिए कि आपके वहाँ पे लेबर का मिलना बहुत जरूरी है। ये मेन चीज है, ये मेन चीज इन्होंने जो बोला, लेबर का सभी टाइम नहीं लगता, लेकिन जिस टाइम बेगिंग में है
उसी टाइम आपको बैगिंग करना है। दो चीज, प्रूनिंग और बैगिंग। बैगिंग हाँ। और एक चीज है, जब गोबर खाद होता है ना, गोबर का खाद होता है वो जब देंगे तब लगता है, क्योंकि 2000 पौधे में आप गोबर का खाद देंगे तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा तो लगेगा खर्चा ना। अब 25-30% खर्चा आपका लग ही जाएगा, उतना लगेगा उससे नहीं, 30% तो लगेगा, तो 70% आपका रेवेन्यू बन रहा है। राइट, मान के चलो अगर 1.5 साल के बाद अगर यहाँ पर एक एक पौधे में 1000 बीज निकालेंगे दोनों सीजन मिला के तो आपका लगभग 2000 पौधा है, तो 20 लाख का जो है ये प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ, फिर भी देखेंगे अगर 4-5 लाख फिर भी और थोड़ा सा माइनस कर दीजिए तो ये 15-16 लाख आराम से कमा सकते हैं। पौधे को पहले ग्रोथ करवाना है और टेस्ट पर्पोज के लिए और मार्केटिंग में थोड़ा, मतलब मुझे थोड़ा नॉलेज आए इसीलिए, क्योंकि एक साथ अगर आपका 6-7 टन माल निकल जाएगा ना, आप बेच नहीं सकते, आप पहले मार्केट ठीक करो, तो इसीलिए 1-1.5 टन का माल का मैंने प्लानिंग किया कि उसको पहले सेल करते हैं, फिर देखते हैं कि मतलब मार्केट में कैसा डिमांड है और कैसे मतलब कितने रुपए में जाता है वो, फिर उसके बाद जाके जब नेक्स्ट साल अगले प्रोडक्शन जब आएगा 6-7 मतलब टन का, उस वहाँ पे हम लोग इजीली मार्केट कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर क्वालिटी अच्छा होगा ना तो आपका जो जितने भी ग्राहक हैं वो दौड़ते आ जाएंगे। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वालिटी भाई अगर आप ध्यान नहीं दोगे, यहाँ से भी अभी लोग लेके जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोग आते हैं लेके जा रहे हैं, बहुत दूर है, मतलब फार्म मतलब आप देखोगे तो 1.5-2 किलोमीटर अंदर है, लेकिन लोग आते हैं यहाँ से लेके। आजकल क्या है, लोगों को अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए, है ना, आप रेट जो बोलोगे उसके हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वालिटी अच्छा देना पड़ेगा। राइट, और ऑर्गेनिक है वो तो रेट अच्छा ही मिलता है, वो तो टेस्ट तो पता जो लोग कस्टमर आते हैं वो तो अच्छा रेट देते हैं, जो खाएगा एक बार उसको पता भी चल जाएगा। राइट, तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा जो है दोनों साइड की तरफ जो है जंगल है, तो इससे आपका जो है जो जंगली जानवर आते हैं उसके लिए वो तो आते हैं उनके लिए यहाँ पे सोलर फेंसिंग है। अच्छा, तो हम लोग पूरा जो 4 एकड़ एरिया है उसमें सोलर फेंसिंग करके रखे हुए हैं, और नीचे हम एक बारबेड वायर दिए हैं, बाकी ऊपर सोलर फेंसिंग है, पूरा सोलर फेंसिंग है। अच्छा, जब मतलब बंदर भी है यहाँ पे और जंगली सुअर है, ये सब है, ये सब ज्यादा है थोड़ा। अच्छा। मतलब पैरट वैरट वगैरह होते हैं ना, उसके मतलब टाइप के जो होते हैं बर्ड्स होते हैं वो लोग, वो मतलब वो चीज यहाँ पे नहीं है इतना, वो बट बर्ड्स वगैरह इतना नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो बाकी बैगिंग हो जाने के बाद तो वो लोग मतलब वो उसको कुछ नहीं कर पाते, चिड़िया के लिए वो तो रहता है। राइट, और आपके यहाँ पर जो है इतने फार्म के लिए आपका रेगुलर कितने मतलब लेबर यहाँ पर लगते हैं? देखिए, जो मतलब इतने सारे पौधे हैं तो इसके लिए तो एक लेबर मतलब जो है मेरे कॉन्स्टेंटली वो काम करते हैं यहाँ पे, मतलब देखभाल करते हैं, उनके जो पास फार्म का चाबी है, मैनेजर, हाँ हाँ, जो वो सारा चीज देखते हैं। हाँ। बाकी मेरे इंस्ट्रक्शंस ओब्वियसली उनके लिए होता है, और बाकी और मतलब 6-8 लोग तो रेगुलरली काम करते हैं, मतलब बीच बीच में जब काम आता है करते हैं, 2 लोग रेगुलरली काम करते हैं और दरकार लगे तो, और 5-7 जो है, हाँ 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 5-7-8 तक भी जाता है, मतलब जब बैगिंग होता है तब थोड़ा ज्यादा लेबर लगता है, क्योंकि वो समय तो लगता होगा, समय लगता होगा। राइट, लेकिन एक एवरेज करेंगे तो 5-6 लोगों को जो है आप लगभग यहाँ पर काम देते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर ये फार्म शुरू नहीं करते तो जो है 5-6 लोगों को यहाँ पर जो गाँव में उनके लिए भी एक रोजगार का माध्यम बन गया है यहाँ, तो ये अच्छा लगता है, कभी कभी ये सोचने से अच्छा लगता है कि मेरे लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ उनको मिलता है, कुछ तो मिलता है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनको पालना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो मिलता है, मिलता है। हाँ, जो घर का करके जो है यहाँ पर आपका काम भी करते हैं। राइट, अगर आप जैसे अगर फार्मिंग में नहीं आते तो सोया थोड़ा जो है देश में, अगर यही अगर एक नए युवा पीढ़ी जो सोच के अगर आए, खासकर हमारा उड़ीसा, क्योंकि मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, हमारे अगर लगभग फ्रूट्स के दुकान में जाओगे ना तो 80-90% जो है फ्रूट्स बाहर की स्टेट से आता है। ये जितना मेरा 1300 किलो माल निकला है तो यहाँ पे छोटा टाउन है। हाँ। ये एनएससी भी नहीं है। हाँ। एनएससी भी तो नहीं है, सरनकुल एरिया, यहाँ पे ही सेल हो गया सारा। तो आप देखिए, ड्रैगन बाहर से आता है। हाँ। आपका गुआवा आता है, आम आता है, सब चीज। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे नहीं होता है, थोड़े लोग अभी स्टार्ट किए हैं, होता है, लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है। जो हमारा नीड अगर 100% है तो 99.5% बाहर से आता है, 0.5% हमारे यहाँ से। उड़ीसा में देखें तो हम धान की खेती के ऊपर ज्यादा थोड़ा अभी, राइट राइट एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा जो है आप मतलब ज्यादा एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा ट्रायल पर्पस फार्मिंग कीजिए। मेरा तो अभी 10,000 प्लांट का मतलब प्लान है, तो 10,000 प्लांट हो जाने मतलब के बाद आगे जो है 10,000 का टारगेट, अभी 2,500 हुआ तो 10,000 के लिए टारगेट है। नेक्स्ट साल हम 2,500 फिर से और लगाएंगे, और अगले साल 5,000 का और प्लान है, तो पूरा मिला के 10,000 का एक फार्म बनाएंगे, वो प्लान है। तो देखते हैं कितना क्या हो सकता है हमारे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप अगर एक चीज के लिए अगर ठान लेना, अगर कुछ भी करने के लिए, तो वो जो है जरूर होता है, और ये कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तक जितना स्टडी किया हूँ, ये 1 साल 2 महीना लगभग हो गया है उनका,
और काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने मैनेजमेंट भी किया है, तो मेरे को लगता है कि आगे जो है इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे और आप भी सक्सेस हो सकते हैं। अगर जो भी किसान देख रहे हैं अगर इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो जो है इन्हें तकनीक यूज करना चाहिए खासकर, जैसे ये सोलर फेंसिंग बोले, आपका मल्चिंग हो गया, ड्रिप हो गया, प्रूनिंग का भी सही तरह से। पहले क्या होता था गुआभा में लोग प्रूनिंग भी अच्छे से नहीं करते, जिसके वजह से हमारा फ्रूटिंग कम हो जाता था, राइट, है ना। तो प्रूनिंग भी एक अच्छा चीज़ है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और आज जो कि ये टाइम मिला थोड़ा सा जो है भुवनेश्वर आया था तो उनके फार्म में भी जब भी टाइम मिलता है, वैसे तो अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है इधर उधर जाने के लिए, लेकिन हमारा जहाँ एक जो रहता है ना जहाँ पर हम प्लान देते हैं पौधा, उसके साथ साथ जो है फार्म भी विजिट करते हैं और किसानों को जितना हो सके एक मतलब सपोर्ट करते हैं ताकि वो लोग भी आगे जाएं। केवल जो है हम पौधा बेचने का काम नहीं करते, हम जो है किसान है उसके बाद हमारा जो है ये चीज़ आप सही बोले कि जब भी आप उनको कॉल करो कॉल रिसीव करते हैं अच्छे से, अगर कॉल रिसीव भी नहीं करते हैं तो मतलब कॉल बैक करते हैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल बैक मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, दोपहर के टाइम थोड़ा सा जो है एक घंटा जो है 1 बजे से 3 बजे तक थोड़ा सा जो है मैं रेस्ट करता हूँ, तो उस समय कभी कभार फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो कॉल बैक करता हूँ शाम को देख के फिर। तो जो भी है मतलब आपको अगर इतना सारा पैसा खर्चा करना है, देखिए ये पूरा कमर्शियल फार्मिंग है, यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट खर्चा होता है, तो अगर जानकारी मतलब, भी अच्छी लेनी चाहिए और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको मतलब जो प्लांट जो ले रहे हो ना आप, प्लांट सही चुनना चाहिए। प्लांट अगर आप सही चुन नहीं रहे हो, आपका देखिए गुआवा का मतलब 20-30 तरीके का वैरायटी के नाम मैंने सुना है, L49 ऐसे, जी विलास, थाई सुपर किरण, कुछ कुछ मतलब वो जो वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे वैरायटीज हैं, नई वैरायटीज क्या बोलते हैं, थाई 9 थाई 10 पता नहीं वो कहाँ से है थाई 9 थाई 10 मुझे तो पता नहीं। तो अभी ये जो चीज़ है मतलब सही नर्सरी से प्लांट लेना और सही प्लांट चुनना स्पेशली दो वेरायटी के ऊपर मैं ज़्यादातर जो है अभी देख रहा हूँ कि फार्मिंग, खासकर ताइवान पिंक और एक थाई 7। मेरा भी अभी प्लान है ताइवान पिंक का, मतलब आगे प्रोडक्शन करने के लिए, नर्सरी प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे मेरा नर्सरी सेटअप भी बनेगा ताइवान पिंक का, नेक्स्ट साल से वो स्टार्ट करूँगा। और मैं देख रहा था आपके वहाँ पर जो है कुछ ट्रैप भी लगा हुआ था, जो फेरोमोन ट्रैप, हाँ वो जो बरसात में जैसे आते हैं फेरोमोन ट्रैप देखा था, काफ़ी अच्छा है। देखिए नए नए तकनीक जो बोल रहे हैं उनका यूज चुके हैं, और आजकल के एजुकेटेड फार्मर्स ना आजकल के जमाने के हिसाब से फार्मिंग कर रहे हैं, और पहले क्या होता था हम जो है ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन या फिर दवाई खाद के लिए, मतलब ये आपका घास के लिए, लेकिन मल्चिंग के लिए आपको उसमें कंट्रोल हो गया, और ये ट्रैप के लिए, तो धीरे धीरे जो है ना सिस्टम चेंज होते जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमें भी ढलना चाहिए। देखिए मैं जो है पूरा प्रकृति के ऊपर पूरा सब कुछ छोड़ दिया हूँ, हम पूरा प्राकृतिक खेती करते हैं, तो पूरा नेचुरल फार्मिंग है हमारा, जो गाय का गोबर होता है, गाय का गोमूत्र होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसको फर्टिलाइज़र के हिसाब से यूज़ करते हैं, हम वेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं, जीवामृत यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ जो है हम लोग मतलब रेगुलरली यूज़ करते हैं। जीवामृत हम लोग 15 दिन में देते हैं, बाकी जो वेस्ट डिकम्पोजर है हम लोग 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं। अच्छा, बाकी जो मतलब प्राकृतिक खेती में जो सारा चीज़ है हम लोग, हाँ वो सारा चीज़। तो मैं आशा करता हूँ आज की जो है ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मुझे भी यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा इनका फार्म देखकर, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है फार्म को अभी सेटअप किया है। तो जो भी फार्मर्स देख रहे हैं आशा करता हूँ कुछ जो है जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर चैनल में नए हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जय जवान जय किसान।